नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है बुधवार का और टाइम हो चुका है सुबह के 9:30 बज चुके हैं। और काम की बात करें तो आपने देखा भी होगा, 2-3 दिन हो लिए, तीन क्या हफ्ता ही होगा तकरीबन, सारा काम डिस्टर्ब हो रखा है। डिस्टर्ब क्योंकि कई बार तो क्या है कि इमरजेंसी कहीं बाहर आना जाना पड़ता है, वो दिक्कत है। चलो वो भी काम जरूरी थे तो मुझे भी एक बार जरूरी गांव में जाना पड़ा, और अभी आया था मैं गांव में से, और लेकिन फिर दोबारा से जाना पड़ा है। और पीछे से यहाँ पे पीछे से क्या, जब मैं गया था तभी इंदु की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो धीरे धीरे वो कवरिंग होने लग रही है। वैसे आज बहुत आराम है, और कारण यही था जो हम लोग नहीं डाल पाए 2-3 दिन, इसीलिए भी लोग नहीं डाल पाए क्योंकि इंदु की तबीयत ठीक नहीं थी। ये क्या स्टाइल है भाई तेरा? अच्छा नमस्ते करो सबको, हाथ जोड़ के कैसे करते हैं, नमस्ते कृष्णा, आ तीन कृष्णा को नमस्ते करनी। चल अच्छा हेलो कर दे, हेलो तो कर दे, हेलो कैसे करेगा? और कृष्णा पे तो ना हेलो करनी आती ना बाय करनी आती। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको, बच्चों की चल रही है क्लास, यहाँ पे क्लास दिखा देता हूँ। ये भी लगे हुए और अभी उठते ही लग गए थे आज, इन्होंने मुंह धो के बाल बहा के बस क्लास करनी शुरू कर दी। ये देखिए, ये खाना भी खा रही है, परांठे खा रही है, और क्लास भी कर रही है। ये कौन सा स्टाइल है बेटा पढ़ने का आपके? हैं रोही, इधर देखो, हेलो करो। अच्छा और लेना पराठा, कृष्णा भी लग गया लेके दीदी से ना। ये है इनकी हरकतें बच्चों की ना। और ये देखिए पीयू को भी, ये पराठा भी चल रहा है इसका, और क्लास भी चल रही है। बच्चे कोई सा कम नहीं है, मतलब कोई सा भी इनमें पूरे हैं ही ना। तो जी बच्चों को आपने देख लिया है, और आज थोड़े सुधार है इंदु की तबीयत में, अब कर रही है ये नाश्ता। और नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया बनाया आज इसी ने है नाश्ता, सिंपल पराठा और दूध के साथ, अचार के साथ हम खा रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, कृष्णा ने कर लिया नाश्ता है, कर लिया कि कृष्णा ने नाश्ता? तो जी ये तो सब कुछ आज सुबह का रूटीन था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे 10 मिनट थोड़ी बात करूंगा, हम दोनों बैठ के बात करेंगे। तो जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 10 मिनट के लिए आज फिर से करेंगे हम बातें। और बात क्या करनी है, बात तो यही है जो रूटीन है हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, और सभी परिवारों में होता है, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं। और एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा इनको से ज़्यादा अटैच रहता हूँ, और हर पता रहता भी है, इसका दुख दर्द देखा नहीं जाता, मतलब मैं क्या किसी से भी नहीं देखा जाता, परिवार के किसी शख्स से भी किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। आप लोग भी जानते होंगे किसी भी परिवार में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3-4 दिन ऐसे रहे हमारे, एक तो मुझे गाँव में जाना पड़ा, और एक इसकी इनकी होगी तबीयत खराब। मेन चीज क्या दिक्कत आ रही थी, व्लॉग क्यों नहीं डाल पाए, जब जैसे ये व्लॉग की शुरुआत कर दी थी तो बीपी जैसे इसका लो देखा गया, हमने मशीन रखी हुई है तो उससे चेक करते थे तो इसका 60 से नीचे, नहीं बेटा बात कर रहे ना अच्छी तरीके से, तो 60 से नीचे इसका बीपी आता था। तो उसमें क्या होता था, इसको खड़े होते ही चक्कर आने लगते थे। तो व्लॉग की तो फिर बात क्या कि टाइम पे बच्चों को खाना वगैरह ही मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात थी, तो मैंने भी यही बोला इसको कि कोई बात नहीं, व्लॉग नहीं बनाते, और नहीं तो अपना पहले तो सेहत का ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन 4 दिन नहीं व्लॉग आएगा तो कोई बात नहीं है। तो जी मैं तो एक तो यही बताने के लिए आपको, मगर थोड़ा सा एक मैसेज डाल देते हैं कि सभी को, जैसे आप लोग हमारे साथ प्यार बना करके रखते हो और इतना प्यार देते हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हर चीज की अपडेट दे दी जाए। और कोई भी अगर हमारे घर में खुशी का माहौल या दुख भरा माहौल कोई भी होता है तो उसकी अपडेट भी में जरूरी हो जाती है, बनता भी है, क्योंकि आप एक हमारा परिवार हो, हमारी एक आप फैमिली हो। कृष्णा पीछे हो बेटा। तो जी मैंने तबीयत के बारे में तो बता दिया है, और कृष्णा भी आ चुका है, और कृष्णा देखिए इसकी हरकतें,
मतलब तीनों बच्चे जो है ना हमारे, ये एक तो ये सबसे बड़ी और एक ये बीच वाली और एक ये छोटे वाला, तीनों के तीनों मेरे पे गए हैं। एक भी इन्होंने मम्मी नहीं, तीनों के तीनों मम्मी पे गए हैं, ये मम्मी पापा पे गए हैं। तू भी जाएगी, ये मम्मी जाएगी, पापा पे नहीं, इसको बोल किसको जा, मम्मी पापा अच्छा ये जाएगी मम्मी पापा पे, मम्मी डैडी। मम्मी मम्मी पापा में मम्मी डैडी पे। पापा का तो तू फैन है मुझे पता, मम्मा पापा पे। हाँ मम्मा पापा के नावड़ी, ठीक है ठीक है, ये कह मम्मा रहा पापा, मैं पहुंच जाऊंगी, ये ठीक, बच्चा नहीं कह रहा कि मैं वैसा कोई बात जाऊंगी। नहीं, कोई नहीं। तो ये मम्मी पापा का भी बहुत जबरदस्त फैन है अपने, और मैंने तो आपको बता ही दिया है कि क्या क्या उलट पुलट हुई है। मतलब 5-4 दिन का ऐसा टाइम लगा ये, इसमें सारा कुछ डिस्टर्ब सा हो गया है। तो जी फाइनली मैं आप सभी को बता दूं, अब इंदु की तबीयत भी ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती हैं, और जो पिछले 2-3 दिन रहे तो इंदु के, मैं तो था नहीं, अब तो ही बता दे कैसे कटे। लेट गई कटे, मैंने तो बस उठ के रोटी बना दी, बच्चों के लिए खाना वगैरह बना दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा आराम मिला काम तो कर लिया, नहीं तो पड़ी थी, नहीं मतलब कर हो नहीं पाते पाया थे। मेरे साथ कुछ भी, क्योंकि तो जब भी मैं उठती, कई बार ऐसा हुआ कि रोटी बनाते बनाते ही इतने चक्कर, और जब भी पी चेक किया तो वही 60 अराउंड। तो मतलब मैं ये बीपी वाली दिक्कत, मतलब जब भी कुछ हो एक नई दिक्कत हो, पिछली बार से बीपी वाली नहीं, दिक्कत बीपी इस वाली बार। जो दिक्कत है ये है कमजोरी से, तो सभी जैसे बोल रहे हैं कि भाई इसका कृष्णा का दूध छुड़वाओ, मम्मी ने भी इस बार यही बोला कि तीसरे साल में लग चुका, तीन मतलब 2-2.5 साल के बच्चे का दूध आराम से छुड़वा सके, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मुझे ये लगे, मैं का छोटा सा है अभी, 2 ही साल का है, लग कहने को तो लग गया तो हमारे लिए तीसरे तो छोटा साल है। रहेगा, हमारे लिए तो छोटा रहेगा, मैं का वो कुछ खाता पीता नहीं ढंग से, ये नहीं सब बच्चा खा है लेते हैं बस। बच्चे कोई बात नहीं, और ऊपर का दूध पिलाएंगे, गाय का बांध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बस। तो जी यही बात करने के लिए आज मैंने, आज व्लॉग कोई शूट नहीं किया आज, क्या मतलब 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और छोटा सा मैसेज था, तो जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आप भी एक हमारा फैमिली का हिस्सा हो और हम आपकी फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो सुख दुख अपनों से ही कहे जा। तो ठीक है जी, या फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, इसमें कुछ एनर्जी भी होगी, कुछ स्वाद भी होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अब तक 3-4 दिन हो गए, कुछ कुछ था ही नहीं, मैं भी नहीं था, और सारा सिस्टम सा हिल गया था, जब तबीयत खराब थी और ये भी नहीं थी, तो तब हाँ, मुझे ज्यादा दिक्कत हुई, डबल नुकसान हो क्योंकि गया, डबल। मतलब एक होता ही है कि हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या कुछ भी, तो ये थे नहीं, तो ऐसा लगा कि मतलब मेरा ना तो मन ही लग रहा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार गए या मैं पहली बार अलग रही, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तब आप सोचते ही हैं कि हाँ आपके साथ हो। जिज्जा जी थे, पर वो जिज्जा जी हैं, अपनी एक लिमिट है हर काम की, हर एक रिलेशन की एक लिमिट होती है। तो जैसा हस्बैंड वाइफ हो या अपने मम्मी पापा के साथ हम कर सकते हैं बात या बता सकते हैं अपने हस्बैंड को या किसी को, तो वो वाली नहीं थी जी। अब फोन पे तो बात कर रहे थे, लेकिन इनका भी टाइम नहीं था और बात मुझसे भी नहीं हो पा रही थी, तो उस टाइम मैंने बड़ा फील किया कि अगर वो होते तो मतलब मुझे कमी महसूस हुई इनकी उस टाइम पे मतलब बहुत। 3 दिन कितने दिनों में, 3 दिन 30 दिन के बराबर हो गए थे ना। अगर ठीक ठाक हो ना तो काम में लगे रहे तो इतना माइंड नहीं जाता, लेकिन जब तबीयत खराब हो और आप लेटे ही हैं, मतलब उठा नहीं जा रहा, तो बस फिर माइंड में वही चीज रहे कि अगर वो होते तो शायद प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी और कम होती, तो ये हैंडल कर लेते हैं पीछे से। जैसा तबीयत खराब होती है मेरी, आपने भी देखा है कि ये सारी चीजें हैंडल कर, तो वो मतलब जो बर्डन सा था एकदम से अपने ऊपर आ गया, क्योंकि बच्चों को देखते हैं, अपने आप को तो एक बार इग्नोर भी कर दे कि चलिए कोई नहीं, लेकिन बच्चों को देखते हैं तो फिर कई चीजें करनी भी पड़ती है। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही, कृष्णा हो रहा है बहुत ज्यादा परेशान, तो इसको भी हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो एक नए लोग के साथ मिलेंगे, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें।